मम्मी हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, बतानी है। पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, आपको एक शैडो दिखा। मेरी दीदी का कॉलेज खुल गया था, दूसरे स्टेट में है वो, तो वहाँ पे जाने में और आने में टाइम लगता है। सो मेरा भाई और मेरी मम्मी दीदी को छोड़ने गए थे, और जो मेरे पापा हैं वो मेरे साथ घर पे थे। बट ऐसा तो है नहीं वो मेरे साथ ही रहेंगे, उनका भी काम है, तो वो बाहर गए थे, ठीक है, एज यूजुअल। सो अभी ये बात बताने में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, बट मैं क्या करूँ, मुझे बताना ही था, आप लोगों से शेयर ही करना था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ ना, आप लोग भी हेल्प करो, आप लोग भी बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कि आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का, तो आजकल तो कभी भी खाली टाइम मिलता है, ऐसे खाली वक्त पे लोग रहते हैं, या फिर थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए, या फिर थोड़ा सा मतलब वीडियोस जिसका मन करता है वो बनाता है। तो मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे मैंने सोचा कि मैं रील्स बनाऊँ, वैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो उस दिन भी मेरा मन किया, क्योंकि मैं अकेली थी घर पे और मेरा मन भी कर रहा था, और मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि ना मेरा भाई था, क्योंकि 24 घंटे तो मैं उसी के साथ रहती, तो वो भी नहीं था, मम्मी भी नहीं थी और पापा भी नहीं थे, तो मैं घर पर अकेली थी। पहली बात तो ये कि मुझे घर पर उस टाइम लिटरली रहने में बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं एक ही रूम में पैक थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं मतलब जो रूम सबसे आगे है, मतलब अंदर वाले रूम में नहीं, जो जैसे रूम्स होते हैं ना, तो आप लोग घर में भी कोई ऐसा घर रूम होगा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर होगा, और कोई रूम होगा जैसे खाली, जहाँ पे आप सेफ फील करते हो, या फिर ऐसे नॉर्मली अगर आपको डर वर लगता है किसी रूम में, आप लोगों को डर लगता हो किसी रूम में, आप लोगों को डर नहीं लगता होगा, तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स का जो रूम है वहाँ पे मुझे डर नहीं लगता है। और उस साइड जो होता है ना, वो सनसेट होता है, तो उस टाइम धूप आती है, खिड़की और विंडो खोल दो, और उधर मेन गेट है, तो उधर से कोई अगर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा आसानी से, मैं आवाज़ सुन सकती हूँ। तो मुझे मन किया मैं रील्स बनाऊँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं भी वहाँ पर रील बनाने गई थी। तो मुझे क्या पता था यार कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई बुरा होने वाला रहता है या फिर कुछ ऐसा अच्छा होने वाला रहता है, तो उसके पहले किसी इंसान को नहीं पता होता यार कि वो चीज़ होने वाली है। ऐसे ही मैं भी एक इंसान ही हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं लिटरली मैं उस घर को छोड़ के भाग जाती। तो मैंने भी ऐसे ही गाने वाने सर्च किए और मैं बनाना स्टार्ट कर दी। और मेरे पीछे टीवी था, टीवी मतलब मैंने सोचा था कि उस पर रिंग लाइट का इफेक्ट आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं ये चीज़ सुन के ना, ये चीज़ आज के बाद से मैं कभी नहीं करूँगी। मैं वहीं खड़ी होकर रील्स बनाए थे और मेरे पीछे मेरा टीवी था, ठीक है, वो बंद था, तो मैंने सोचा था रिंग लाइट का इफेक्ट पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना रील्स बनाना स्टार्ट किया, मैंने एक दो रील्स बनाए, बट ये जो मैंने आप लोगों को रील्स दिखाई है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ यार। वो चीज़ क्या थी यार, मेरे पास प्रूफ है और मैं सच्ची बता रही हूँ यार, वहाँ पे कोई नहीं था। मैं यहाँ पे जैसे वीडियो बना रही हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं है, मुझे दिख रहा है कोई नहीं है, लेकिन यार उस टाइम मेरे पीछे जो टेलीविज़न था मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे उसमें दिखा, और वो चीज़ मैंने उस टाइम, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं दिखा था यार, लिटरली सामने कोई नहीं था, मैं घर पे अकेली थी, ना मेरे पापा थे, ना मम्मी थी, ना मेरे भाई था, ना मेरी दीदी थी। स्ट्रेंज चीज़ तो ये है यार, देखो मुझे तो पहली बात पता है मैं घर पे अकेली थी, और मैं घर पे अकेली मतलब मेरे मतलब उस दिन मेरे अलावा घर पे कोई नहीं था, और मैं सच्ची बता रही हूँ कि उस रूम में भी कोई नहीं था। मैं आपको कैसे प्रूफ करूँ, इतना डरावना लग रहा है वो, इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ रात रात में। जो मेरा रूम है जहाँ मैं सोती हूँ, तो उस रूम का जो छत है उस पर भी चलने की आवाज़ आती है। कभी करना कि आप रूम में बैठे हो, कोई छत पर चल रहा हो, तो आप लोगों को जो साउंड्स आते हैं वैसी ही आ रही थी। सो गाइज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे किसकी हेल्प लेनी चाहिए। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे किस चीज़ की हेल्प लेनी। मम्मी गाइस, ये छोटा सा प्रैंक था, और ये प्रैंक कैसे स्टार्ट हुआ उसका बिहाइंड सीन क्या है, बिहाइंड सीन देख कर आइए, तब तक हम लोग थोड़ा अच्छे से बैठ जाते हैं। तो गाइस, हमारी प्रैंक वीडियो की तैयारी चल रही है, और ये बना हमारा गोश्त, और ये हमारा टीवी है जिसके पीछे चलने वाले हैं। यार ये ना, हम दूर जा कैसे जाएंगे। तो ये प्रैंक वीडियो आप लोगों को डर ना लगे, इसलिए मैं बिहाइंड द सीन्स भी डाल रही हूं। सो इस वीडियो को यही हमारा गोश्त जो बनने वाला है। सो रिफ्लेक्शन से मैं ऐसे एडिटिंग करूंगी और ये वीडियो जाएगा। आई होप कि आप लोग पीछे ना कर देना, नहीं
रिपीट मत कर देना वरना प्रैंक वीडियो पता चल जाएगा और शायद मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूं ताकि सबको ना पता चले। सो या गाइस ऐसा लोग कमेंट ऐसा करिएगा कि नए लोगों को पता ना चले कि प्रैंक वीडियो है। या आप लोगों के ऊपर प्रैंक किया जाए इसलिए हम लोग ने ये वीडियो बनाई, बट जो रियल चीजें हमारे साथ हुई उसकी भी वीडियो पड़ी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, तो देख लीजिएगा। सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है हमारे किशन आ गया, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं और ऐसे कितने गंदे तरीके से हम लोग आउट्रो दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे न्यू तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Your bar, I'm gonna do it. Sometimes I can't tell.